अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे भाई? खरीये से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खरीये से। आज हम आलू की सब्जी बनाने जा रहे हैं। मैंने इसे शेप में, कतलियों की शेप में काटा है। आए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे हम आज ये आलू की सब्जी बनाते हैं। मैंने अपनी कढ़ाई में ऑयल डाली है, इसमें मैं डालती हूँ ये कलवंजी और ज़ीरा। इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं, इससे ना ये सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलुओं का। ये देखिए, अब ये हो गया थोड़ा सा ब्राउन। इसमें हम डालते हैं ये प्याज जो मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काटा था। इसको हमने 2 से 3 मिनट इसी तरह फ्राई करना है। हल्का लाइट ब्राउन होगा तो हम इसमें आगे अदरक लहसुन डालेंगे और इसको बनाएंगे। ये देखें जी, हमारे आलू प्याज जो थोड़ा सा ब्राउन हुआ, अब हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डाला हमें अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करना है ये एक से दो मिनट। फिर हमने ये जो आपने आलू कतलियों की शेप में मैंने काट के रखे ना, वो भी हमने साथ ही डाल के फ्राई करना है। ये देखें जी, हमारा अदरक लहसुन भी प्याज के साथ साथ थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी आलू जो कतलियों की शेप में मैंने काटे हैं। ये देखें इस तरह से, इन आलुओं को भी हमने प्याज के साथ साथ फ्राई करना है। इसी तरह ना आलुओं को हमने 3 से 4 मिनट प्याज के साथ साथ इस तरह हिलाते रहना और इसको फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसमें नमक मिर्च डालना है। देखें, आज एक अलहदा रेस्टोरेंट स्टाइल में ये आलू बनेंगे और बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी, हमारे आलू काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं नमक मिर्च। इसमें मैं डालूँगी पहले ये दादर मिर्च की चम्मच है, इसमें यही अच्छी जाती है ज़्यादा। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी कलर के लिए। और अब हल्दी, नमक हंसी जायका 1 चम्मच, और इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, ये धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं। देखें, आज माशाल्लाह बहुत प्यारे बनने वाले हैं। और इसमें अब मैं शामिल करूँगी टमाटर जो मैंने सीजे अदर, ये चॉप करके रखे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा हमने इसको भूनना है और आपने फ्राई करने के आप ये चेक करना कि आपके आलू गले या नहीं गले। अगर नहीं गले तो आपने इसमें पानी डाल देना। बाज़ आलू होते हैं जो फ्राई होते हुए ये इसके साथ ही गल जाते हैं। अगर आप चेक करें कि आपके आलू नहीं गले तो इसमें ये देखे ना, अभी खड़ा खड़ा है, ये गले नहीं है। इसमें हम इसको पानी डालेंगे। पानी इसमें तकरीबन आधा ग्लास डालूँगी और हम इसको ढाक के पकाएँगे। ये देखिए, बड़ी इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे आलू रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल तैयार हो गए। इसी तरह रेस्टोरेंट में आप मांगेंगे कि हमें आलू की सब्ज़ी चाहिए तो वो इसी स्टाइल में आपको मिलेंगे। ये देखें, अब हम इसको एंड करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं। और अल्लाह पाक आपके रिज़्क में, आपके कारोबार में, आपकी सेहत में, तंदुरुस्ती ज़िंदगी में, आपकी दुनिया आखिरत में बरकत डाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।